वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप ऑफ फंक्शन। जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, रेंज और डोमेन क्या होती है फंक्शन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ दो तीन टाइप्स के जो क्वेश्चन है, या कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आता ही आता है जो किससे रिलेटेड हो, टाइप से रिलेटेड हो। मतलब आपको फंक्शन दिया होगा, वो पूछेगा कि बताओ कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ऑप्शन आपको दिया होगा, जैसे वन वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया, तो इस टाइप से। तो यहाँ जो है मेन आपको मैं दो तीन टाइप्स जो फंक्शन के वो करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी टाइप होते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है मेनली आपको चार टाइप करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो पीछे साथ में मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन, वन वन बोल दो या वन टू वन बोल दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ओके, तो वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मैपिंग डिफाइंड है एफ, मतलब एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी। इस फंक्शन एफ को मैं वन वन फंक्शन कब बोलूंगा, अगर ए के अलग हर एलिमेंट की, या मैं कहता हूं कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब ये कि जैसे सेट मेरे पास एक ए सेट है ए बी सी, और एक सेट है मेरे पास बी, वो मैं मान लेता हूँ क्या, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अगर आपको मैं एरो डायग्राम से समझाऊँ क्या, जैसे मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है, एक मैपिंग एफ है, मतलब एक फंक्शन एफ है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है ए बी सी, और इसमें अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, मतलब डिफरेंट इमेज का मतलब जैसे ए का रिलेशन मैं मानता हूँ कि अल्फा के साथ है, बी का गामा के साथ, और सी का बीटा के साथ। तो ए का अल्फा के साथ रिलेशन है, तो ए का अल्फा के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, ए के किसी भी दूसरे एलिमेंट का अल्फा के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब बी का जो रिलेशन है वो अल्फा के साथ नहीं होना चाहिए, सी का रिलेशन अल्फा के साथ। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रिलेशन, ए का अल्फा के साथ रिलेशन आ गया तो अब अल्फा का किसी के और के साथ रिलेशन नहीं होगा। फंक्शन में मेनली क्या होता है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट की बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। हो सकता है तीनों का रिलेशन एक बंदे के साथ हो, लेकिन सेम ए के हर एलिमेंट का अलग अलग रिलेशन होता है डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में। लेकिन वन वन के केस में एक ही बंदे के साथ रिलेशन होता है, दूसरे बंदे के साथ रिलेशन नहीं होता। मतलब अब ए का अल्फा इसे अल्फा के साथ रिलेशन हो गया तो ना ही तो ए का इनमें से किसी और के साथ रिलेशन होगा, ना ही अल्फा का इनमें से किसी के साथ रिलेशन होगा। और बीटा, जैसे बी का रिलेशन किसके साथ है, गामा के साथ, तो ना ही बी का इनमें से किसी और के साथ रिलेशन होगा, ना ही गामा का इनमें से किसी और के साथ रिलेशन होगा। तो ऐसे होता है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो वो क्या फंक्शन बन जाता है, वन वन फंक्शन बन जाता है। और हाँ, इसके अंदर ये जरूरी है कि हर एलिमेंट का इसके किसी ने के साथ रिलेशन होना जरूरी है। बी में कोई एलिमेंट रह जाए तो उससे मतलब नहीं है, जैसे बी में डेल्टा रह गया तो इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए के हर एलिमेंट का बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। अगर ऐसे होता, जैसे इसमें मैंने ए बी सी लिया, उसके अंदर अल्फा बीटा गामा ये ले लिया, ए का भी अल्फा के साथ, बी का भी अल्फा के साथ, सी का मैं मान लेता हूँ बीटा के साथ, ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो है, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए का अल्फा के साथ रिलेशन आ गया, बी का भी अल्फा के साथ रिलेशन। वन वन में ऐसे होता है कि ए का अल्फा के साथ है तो ए का अल्फा के साथ ही रहेगा, तो अल्फा का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अल्फा का रिलेशन यहां तो बी के साथ और आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है। फंक्शन तो है ये, क्योंकि एक इस सेट के हर एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ रिलेशन है, इसलिए यह फंक्शन है, लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, सेम। इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसकी इमेज क्या बन रही है, अल्फा,
बी का रिलेशन गामा के साथ है तो बी की इमेज क्या बन रही है, गामा। सी का रिलेशन बीटा के साथ है तो सी की इमेज क्या बन रही है, बीटा। तो सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, दो की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो ए की इमेज और बी की इमेज दोनों सेम बन रही है, इसलिए ये वन वन नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इमेज अगर सेम बन रही है, दो की इमेज सेम बन रही है, इसलिए वो वन वन नहीं है, सभी की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वन वन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की। नेक्स्ट है ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, या इसको मैं सब्जेक्टिव भी बोल सकता हूं या सब्जेक्शन, और वन वन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन जो भी है, मतलब ये फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऑन टू को आप सब्जेक्टिव बोल सकते हो, वन वन को आप इंजेक्टिव बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ऑन टू के अंदर क्या होता है कि ऑन टू एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है कि सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज तो होती है, लेकिन ना ही तो ए में कोई एलिमेंट रहना चाहिए, ना ही बी में एलिमेंट रहना चाहिए, मतलब सभी का किसी न किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव इमेज इन ए, और या मैं कहता हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, एरो डायग्राम से आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये सेट ए है और एक सेट बी है, एक फंक्शन है फ्रॉम एफ, फ्रॉम ए टू बी। ए के अंदर अगर चार एलिमेंट है तो डी के अंदर, बी के अंदर भी मैं ये चार एलिमेंट मान लेता हूँ। तो ए का आपको पता है इनमें से सभी का किसी ना के साथ रिलेशन होगा, तभी ये फंक्शन होगा। मैं मान लेता हूँ इसका रिलेशन अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा और इसका डेल्टा। तो ए के हर एलिमेंट का बी के किसी ना किसी साथ रिलेशन है, और बी का हर एलिमेंट बी किसी ना किसी साथ कनेक्ट हुआ है। इसमें बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो जिसका, जो मतलब जिसकी प्री इमेज ना हो। क्या होता है, ए की इमेज क्या होता है अल्फा, और अल्फा की प्री इमेज क्या होता है ए, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो अल्फा की प्री इमेज है, बीटा की भी प्री इमेज है, गामा की भी प्री इमेज है और डेल्टा की भी प्री इमेज है। तो बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है ए के अंदर, इसलिए उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। अगर जैसे यहाँ आ जाता एक और, जैसे मैं मान लेता हूँ ई आ जाता मेरे पास, तो देखो ई की प्री इमेज नहीं है, ई खाली रह गया, ई के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो नहीं होता। क्या नहीं होता, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो आपको बस सिंपल इतना याद रखना है कि ए के, आपको पता है फंक्शन में ए के लिए सभी के साथ रिलेशन होना चाहिए किसी ना किसी के साथ, और इसके लिए आपको क्या ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ ई होता एक और, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी दो प्री इमेज बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। देखो जो डेल्टा, इसकी डी बी प्री इमेज है और इसकी ई बी प्री इमेज है। ओके नेक्स्ट देखो, दो प्री इमेज है उसको मैनी वन ऑन, सॉरी मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। दो प्री इमेज क्या बोलते हैं, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। वैसे मैं आप मैनली यही लेके चलो एक वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑन टू ही फंक्शन से रिलेटेड आता है, उससे आगे कुछ भी नहीं आता आपके। तो ये पूछेगा कि ये फंक्शन दिया होगा, बताओ ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि ए के बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, कुछ एक बेसिक से जो है डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक से टाइप है फंक्शन के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन आपको पता ही है, जो फंक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू टू थ्री फोर, कुछ भी नंबर दे देता हूँ वो जो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे। दूसरा अगर मैं बात बताऊँ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या, जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ओनली एक्स। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स क्या सिंगल है, तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ओके फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल फंक्शन आपको पता होगा, रैशनल फंक्शन क्या होगा, जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म के अंदर हो उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, मतलब ऊपर ही भी एक्स का फंक्शन है, डिवाइड में भी एक्स का फंक्शन है, तो वो रैशनल फंक्शन हो गया। जैसे एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर भी नीचे भी दोनों टाइप का एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ये जो फंक्शन है वो इवन होगा, ओड होगा,
ना ही इवन होगा ना ही ओड होगा, ऐसे कुछ करके जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है इससे रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक होएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उससे पहले जो है इस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। मेनली जो है डोमेन और रेंज की ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, एक जो 100% वहाँ से क्वेश्चन आता है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, 1-1, 1-2 फंक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मेन जो है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं रहेगा। बाकी जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके वहाँ से जो है कुछ अगर अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है या तो मैं वहाँ से आपको कवर करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ। इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन को इवन कब बोलते हैं? अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मतलब कि अगर मैं ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या, कोस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये ले लिया मैंने, वो पूछेगा कि बताओ ये जो फंक्शन है वो इवन रहेगा या ओड रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, माइनस एक्स, या मैं कह सकता हूँ एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स। तो एक्स टू एक्स माइनस एक्स से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, एक्स टू क्या कर देते हैं, माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा कोस माइनस एक्स प्लस में माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको पता है कोस फंक्शन पॉजिटिव रहता है, मतलब ये कि कोस का एंगल अगर मैं माइनस को बाहर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स को जब माइनस एक्स पुट किया तो वापस मेरे पास वही फंक्शन बन गया जो गिवन था, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो जिस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो इवन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं बात करूं ओड फंक्शन की, अगर बात करें ओड फंक्शन की, तो ओड फंक्शन के केस में क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, मतलब इसके नेगेटिव के इक्वल आता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि यहां मैं ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू में जैसे साइन एक्स प्लस में एक्स की क्यूब, ये मैंने ले लिया। एक्स को मैं क्या पुट कर देता हूं, माइनस एक्स, या रिप्लेस कर देते हैं एफ को माइनस एक्स से, तो ये आएगा माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा, साइन माइनस एक्स प्लस माइनस की क्यूब। आपको पता है साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, मतलब इस माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ये क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, और माइनस एक्स की क्यूब माइनस के एक्स क्यूब, और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में एक्स की क्यूब, ये बन गया माइनस का एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, किसके, फंक्शन के। तो उस केस में अगर ये नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, ओड फंक्शन बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन थी, इजी इवन फंक्शन की और ओड फंक्शन की। तो फंक्शन से रिलेटेड जो है अपना टॉपिक जो है कवर हो गया है, डेफिनेशन है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो डोमेन और रेंज का आता है, इवन ओड का आ जाता है, या वन वन और ओन टू का आ जाता है। वैसे वन वन और ओन टू की जगह आपको बस वो मैंने बताया था इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लिखा सकता है, दोनों का मतलब सेम है। ओके फ्रेंड्स, इंजेक्टिव का मतलब वन वन और सब्जेक्टिव का मतलब ओन टू। तो ये जो टॉपिक है आपका हो गया। नेक्स्ट मैं टॉपिक की बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है, नेक्स्ट वीडियो में कल जो है मैं करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप जो आगे से रेगुलर वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, और साथ ही साथ इसकी क्वेश्चंस की वीडियो भी जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहां, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नीचे जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी जितने भी वीडियोस मैंने करवाई हैं वो सारी की सारी वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है मैसेज आता है कि सर मैं आपकी जो वीडियो है वो नहीं मिलती, आगे पीछे मिलती है, तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से आप वीडियोस मतलब प्लेलिस्ट से में जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, और उस या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक जो है मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत।